बायो के लिए हम क्या करें कि हमारा स्कोर आए, तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो मेरी अपनी एनालिसिस है, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। देखो ये मैं ऑलरेडी यकीन 2023 वाले बैच में बात कर चुका हूं बच्चों से। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी हम कोई सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें चार स्टेप होते हैं लर्निंग के, समझना ध्यान से। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लर्निंग। फर्स्ट लर्निंग का मतलब यह हुआ कि मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, आप चैप्टर देख रहे हो, चैप्टर के नोट्स बना रहे हो और सारा आपको समझ आ रहा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, सारा समझ आ रहा है। दूसरी चीज क्या है, समझ आने के बाद वो चीजें आपस में आपके रिलेट भी हो रही हैं, क्लियर है। ये वो स्टेप है, अगर इसमें गड़बड़ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पहला स्टेप है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का, फर्स्ट लर्निंग। अगर इस स्टेप में गड़बड़ है और ये लर्निंग प्रॉपर नहीं हुई तो आप कुछ भी कर लो सिलेक्ट नहीं हो सकते। रीजन क्या है, अगर इस लर्निंग में कमी है, यहां पर बेटा रोल है एक्सपीरियंस टीचर्स का, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर जानते हैं कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्या चीजें आती हैं एग्जाम में। जैसे मैं आपको क्लियरली बताऊं कि मनीष दुबे सर का जो मतलब माइंड मैप के थ्रू पढ़ाते हैं, या मान लो हमारे पास एमआर सर पढ़ा रहे हैं, या मैं पढ़ा रहा हूं, या आपके सर्वेश सर है, पंकज सर है, बहुत सारे लोग जो हैं उनका एक्सपीरियंस यहां काम आ रहा है। वो क्या कर रहे हैं, वो फर्स्ट लर्निंग को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमारे बैचेस जो होते हैं, यकीन की बात कर लेते हैं, उसमें हमारे लेक्चर्स काफी होते हैं, क्लियर है, काफी होते हैं। एक बच्चा उस दिन कह रहा था कि सर क्रैश कोर्स में भी आप 2 महीने में करा देते हो, यकीन में भी आप 8 महीने में कराते हो, तो फिर हम क्रैश कोर्स ही ना क्यों ले। बेटा क्रैश कोर्स तो लास्ट में करा रहे हैं, पर हम जो फर्स्ट लर्निंग पे ज्यादा से ज्यादा है ना उन वाले कोर्सेज में, मतलब क्योंकि टाइम ज्यादा दे रहे हैं ना उसमें, तो फर्स्ट लर्निंग को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, पूरी एनसीईआरटी को प्रॉपरली कराते हैं, पूरा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये चीज है जो आपको स्ट्रांग बनाती है। अब फर्स्ट लर्निंग में हम एनसीईआरटी है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और कुछ बेसिक क्वेश्चन डीपीपी के, ये आपकी पहली लर्निंग कंप्लीट करती है। दूसरा स्टेप होता है बेटा मेरे पास इम्बाइबिशन ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब क्या हुआ, आपने पहली बार लर्न कर लिया लेकिन आपने दो कॉन्सेप्ट को पैरेलल रख के उसको एनालाइज नहीं किया है अभी, है ना, तो आप एनालाइज करने लगोगे और उसको डीप फील करोगे कि हाँ ये ऐसे जुड़े हुए हैं। इसके लिए हमको क्या करना होता है बेटा, हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं जिनसे मिसकॉन्सेप्शन हटती है। जैसे मैं स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूं जिससे आपकी मिसकॉन्सेप्शन हटेगी, क्योंकि ये फिर बेटा फिर वही बात आती है एक्सपीरियंस से। तो ये जो पहले दो स्टेप है, पहला लर्निंग, दूसरा आपकी मतलब कॉन्सेप्ट को अपने अंदर एकदम जमा लेना। कैसे जमाएंगे, हम अलग अलग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे जिससे मिसकॉन्सेप्शन हटेगी आपकी, है ना, डीप लाइन एनसीईआरटी की एक्सप्लेन करते हैं और क्लास में भी रिविजन करते हैं, ये काम हम कर रहे होते हैं। तीसरा क्या है बेटा, जो आपका स्टेप है वो है हमारे पास रिविजन। अब रिविजन के लिए बेटा हम लोग के पास कई टूल्स होते हैं, जैसे हम कुछ ट्रिक्स दे देते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स दे देते हैं, कुछ चीजें हम क्लास में भी रिवाइज करते हैं और कुछ हम क्या करते हैं बेटा चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं। क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट में क्या होता है, आप ये दोनों चीजों को यूज करके कंबाइन वो बना पाते हो, ये चीजें हमें करनी होती है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आपके बायो में पूरे कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले स्टेप पर बहुत ध्यान रखना है, अच्छे से चीजों को समझना है। इसीलिए कह रहा हूं लेक्चर देखना जरूरी है, अगर आप दोबारा भी ड्रॉप कर रहे हो लेक्चर देखना जरूरी है, क्लियर है। उसके बाद मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई अपने मिसकंसेप्शन हटाने हैं। मिसकंसेप्शन क्या होते हैं, हम आपको ये पढ़ाते हैं ये होता है, लेकिन कई बार ये तो नहीं पढ़ाते ये नहीं होता, तो उसके क्वेश्चंस बना देते हैं हम, उससे आपको आइडिया हो जाता है। जैसे मान लो बहुत सारी लाइन एनसीईआरटी में मिनरल न्यूट्रिशन में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजिनेस सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, ऐसी बातें अगर मैं स्टेटमेंट में दे दूं तो आधे बच्चे गलत कर देंगे, है कि नहीं। तो ये वाली चीजें जो है आपको मतलब मुझे क्या करनी है, स्ट्रांग करनी है। उसके बाद बेटा फिर हमारे पास रिविजन के तरीके हैं, शॉर्ट नोट, माइंड मैप, माइंड मैप है, चैप्टर वाइज टेस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट इस बार और ज्यादा कराए जाएंगे आपके, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको उस चैप्टर्स की रिविजन हो। उसके बाद लास्ट रहता है बेटा एग्जाम, क्योंकि आपकी एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज या टेस्ट होते हैं वो बैच वाइज चल रहे होते हैं, जो हम करते हैं हमेशा, ठीक है, बायो में भी करते हैं और सारे सब्जेक्ट का करते हैं। उसके बाद हम लोग नीट की टेस्ट सीरीज कराते हैं। हम क्या कराते हैं बेटा, नीट की टेस्ट सीरीज कराते हैं अलग से, है ना, और उसके अलावा बेटा एडिशनल टेस्ट भी देते हैं। तो ये 4 स्टेप है, और इस स्टेप की ये ध्यान से सुनना बेटा, ये जो 2 स्टेप है इन्हीं में आपके डाउट्स आते हैं बहुत ज्यादा, है ना। इसके अराउंड मतलब आप देख सकते हो अपना डाउट इंजन भी है, कई तरीके हैं डाउट बताने के, तो इसके अराउंड डाउट आते हैं। ये जो 2 स्टेप्स हैं, अगर आपके यहां डाउट आ रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे आप अभी टेस्ट सीरीज दे रहे थे और आपके डाउट्स आ रहे थे, डाउट्स नहीं आने चाहिए बेटा,
टेस्ट सीरीज में डाउट्स नहीं आने चाहिए जो आखिरी में चलती है, उसमें मिस्टेक्स होती हैं। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो तेरी फिर पैरेलल लर्निंग कैसे ठीक हुई थी बता, खुद बता जरा। अगर तेरे इसमें डाउट आ रहे हैं तो फिर पहले लर्निंग कैसे ठीक थी। तो जो स्टार्टिंग की लर्निंग होती है, मेरी बात समझ ध्यान से, उसकी क्लियरिटी होना जरूरी है। और उसमें बेटा हमेशा एक्सपीरियंस टीचर्स का फर्क पड़ता है। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि इसीलिए ये लाइन एनसीईआरटी की, मैं ये लाइन बार बार बोलता हूं बेटा, जो मुझे नहीं आता फिर वो एग्जाम में भी तो नहीं आता, ये मैं हमेशा बोलता हूं। क्यों बोलता हूं, क्योंकि आप में से क्या होता है, कुछ बच्चे चैट में ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं कि सर ये बता, वो आता ही नहीं है तो मुझे भी नहीं आता बता। सही है, तो बायो में 360 कैसे आएंगे, आपको मेरे साथ या मैं कह रहा हूं कि हमारे टीचर्स के साथ प्रॉपरली एक एक लाइन एनसीईआरटी की सीखनी पड़ेगी। उसके बाद हम उसको रिवाइज करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को इंबाइब करेंगे डिफरेंट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से, क्योंकि हमारे प्लान रेडी हैं ऑलरेडी कि टेस्ट जो आपके बायो के होंगे यकीन वाले या कोई भी जो हमारे बैचेस के होंगे जो 2023 के हैं, उनमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को हम ऑलरेडी इंक्रीज करने वाले हैं, जैसा इस बार ट्रेंड देखा गया। क्लियर है, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। फिर रिवीजन के लिए हमने लास्ट टाइम भी बेटा कुछ शॉर्ट नोट्स भेजे थे बैचेस में, अगर आपने देखे हो, वो हम फिर करने वाले हैं। क्लियर है, और मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं बेटा कि जो एग्जाम के टाइम पर हम टेस्ट सीरीज कराएंगे वो आपके काम की होगी और आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये तरीके हैं बेटा आपको मतलब एग्जाम में अच्छा करने के।